हेलो स्ट्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लास्ट वीडियो में यूनिट सिक्स का वर्कशीट वन कंप्लीट किया था आज हम लोग वर्कशीट टू कंप्लीट करेंगे ठीक है वर्कशीट टू में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन लुक एट द गिवन क्लॉक क्लॉक में क्या होता है वन आवर वन आवर में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट ठीक है पहले यहाँ पे देख लेते हैं लुक एट द क्लॉक ठीक है ये हो गया क्लॉक क्लॉक में जो ये शॉर्ट हैंड होता है उसको क्या कहते हैं आवर एंड लॉन्ग हैंड होता है उसको क्या कहते हैं मिनट ठीक है अब यहाँ पे क्या दिया है बिटवीन टूल्व एंड वन देयर आर आर फाइव यूनिट्स ट्वेल्व से वन के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस होता है फाइव यूनिट का डिफरेंस होता है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इसी टाइप से यहाँ जितने भी नंबर हैं उनके बीच में फाइव फाइव का डिफरेंस होता है फाइव टू सिक्स में काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव क्लॉक में जितने भी नंबर हैं उनमें आपस में क्या होता है दोनों के बीच में बिटवीन फाइव का डिफरेंस होता है काउंटिंग द यूनिट फ्रॉम द मार्क ट्वेल्व एंड कम बैक टू इट यू विल गेट सिक्सटी यूनिट अब अगर हम लोग काउंटिंग टूल्व से स्टार्ट करते हैं काउंट करते करते फिर से हम लोग ट्वेल्व में आते हैं तो टोटल कितना होगा कितने यूनिट्स होंगे सिक्सटी यूनिट्स तो इसको हम लोग इसमें क्या होता है दिस स्मॉल यूनिट्स आर सिक्सटी मिनट्स तो ये जो क्लॉक होता है इसमें टोटल सिक्सटी यूनिट्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं मिनट सिक्सटी मिनट ठीक है minutes, minutes. अब इसमें आगे पढ़ते हैं देखो क्लॉक जो होता है इसमें ये जो शॉर्ट हैंड होता है इसको क्या कहते हैं आवर एंड जो लॉन्ग हैंड होता है इसको क्या कहते हैं मिनट्स वन आवर इजिकल टू सिक्सटी मिनट वन आवर मीनस एक घंटे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट द फेस ऑफ द क्लॉक हैजेल्व इक्वल बिग यूनिट ऑन इट दिस बिग यूनिट आर कॉल्ड आवर ठीक है तो जो क्लॉक होता है उसमें बिग यूनिट यानी कि सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है आवर एंड स्मॉलर यूनिट इज मिनट अब वर्कशीट टू को अब सॉल्व करते हैं वर्कशीट टू लुक एट द गि क्लॉक हाउ मैनी मिनट विल द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम अब हम लोग को मिनट काउंट करना है कि किस में मूव करने में कितने मिनट्स लगेंगे ट्वेल्व टू वन टेल्व्व से वन में मूव करने में किसको हैंड वाले ठीक है कौन सा हैंड बोल रहा है लॉन्ग हैंड जो मिनट वाला हैंड है उसको ट्वेल्व से वन में जाने में कितने मिनट लगेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके क्या है बिटवीन ट्वेल्व एंड वन कितने यूनिट होते हैं फाइव यूनिट काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव यूनिट तो क्या हो जाएगा आंसर फाइव मिनट नेक्स्ट क्या है ट्वेल्व टू फोर अब ट्वेल्थ से हम लोग को फोर में जाने में कितने मिनट्स लगेंगे तो इसमें कैसे करेंगे अभी देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ट्वेल्थ से देखो ट्वेल्थ टू फोर ट्वेल्थ से फोर जाते हैं हम लोग को पता है कितने कितने का डिफरेंस होता है फाइव फाइव का डिफरेंस होता है ठीक है सब में फाइव फाइव का डिफरेंस है तो अब क्या करेंगे फाइव फाइव को ऐड कर लेते हैं ट्वेल्थ से स्टार्ट किए फोर तक तो कितने फाइव आ रहे हैं फाइव वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स क्या रहे फाइव तो क्या करेंगे फोर इन टू फाइव फाइव फोर जाए ट्वेंटी तो आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी मिनट तो बी का आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी मिनट्स अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्या है ट्वेल्व टू सेवन तो ट्वेल्व से सेवन जाने में कितने मिनट्स लगेंगे काउंट करते हैं ठीक है सेवन फाइव हुआ देखो तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है फाइव फाइव का डिफरेंस हो गया फाइव का डिफरेंस अब फिर से काउंट कर लेते हैं ट्वेल्व से सेवन है ठीक है ना क्वेश्चन क्या है ट्वेल्व टू सेवन ट्वेल्व से सेवन में कितने टाइम्स फाइव है पहले काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 तो फाइव इंटू सेवन कर लेते हैं फाइव इंटू सेवन ठीक है सेवन फाइव से क्या होता है थर्टी फाइव तो आंसर क्या आ जाएगा थर्टी फाइव मिनट्स ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में थर्टी फाइव मिनट्स अब नेक्स्ट क्या है ट्वेल्व टू टेन टेल्व्व से टेन में कितने मिनट लगेंगे सिंपल है अब इसी टाइप से सॉल्व करते जाते हैं यहाँ पे भी क्या है फाइव का डिफरेंस है यहाँ भी फाइव का डिफरेंस है यहाँ भी फाइव अब ट्वेल्व से टेन में कितने टाइम्स फाइव आता है काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टाइम्स तो क्या हो जाएगा टेन इंटू फाइव टेन फाइव जा फिफ्टी तो आंसर क्या आ जाएगा फिफ्टी मिनट्स ठीक है अब इसी टाइप से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं टू इलेवन ठीक है टेन में टेन टाइम्स आ रहे थे तो ट्वेल्व से इलेवन जाने में कितने टाइम्स फाइव आएगा इलेवन टाइम तो क्या करेंगे इलेवन फाइव इलेवन फाइव जै क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव मिनट्स फाइव टू एट बोला है तो आप फाइव से एट को काउंट कर लेते हैं फाइव टू एट काउंट करते हैं तो कितना टाइम्स हो रहा है वन टू थ्री ठीक है तो आप क्या करेंगे थ्री इन फाइव कर लेते हैं फाइव ट जाने में कितने टाइम्स फाइव आ रहा है वन टू थ्री तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फिफ्टीन मिनट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन टू ठीक है तो अब नाइन से इलेवन में कितने मिनट लगेंगे या कितने टाइम नाइन से इलेवन को काउंट करते हैं ठीक है वन टू टू आ रहे हैं ठीक है तो टू इंटू फाइव कर लेते हैं टू फाइव जा 10. तो कितने टेन मिनट्स अब थ्री टू नाइन को काउंट करते हैं थ्री टू नाइन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करना है मिनट हैंड है, तो है. तो तो है. बोला था इसलिए हम लोग मिनट काउंट कर लिए क्वेश्चन नंबर टू फिल इन ब्लैंक ठीक है देयर आर आर ब्लैंक मिनट इन वन आर अभी हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन में में पे रीड तो 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 क्या क्या बोल रहे हैं? हैं? कितने होते आंसर so जाएगा? है। हैंड टेक्स ब्लैंक आवर टू मूव फ्रॉम टू टू फाइव कौन सा हैंड बोला है आवर हैंड ठीक है तो जो आवर हैंड है वो कितना आवर लेगा टू से फाइव में मूव करने में तो कितना आवर लेगा यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है किसमें से स्टार्टिंग कर रहा है मूव टू से फाइव में तो कितने टाइम उसको मूव करना पड़ेगा वन टू थ्री तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री थ्री आवर टू मूव फ्रॉम टू टू फाइव अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द आवर हैंड टेक ब्लैंक आवर टू मूव फ्रॉम ट्वेल्व टू सेवन अब 12 से सेवन में जाने में आवर हैंड को कितने टाइम्स मूव करना पड़ेगा काउंट कर लेते हैं 12 से सेवन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने टाइम्स सेवन टाइम्स उसको मूव करना पड़ेगा तो क्या करेंगे सेवन आवर टू मूव फ्रॉम ट्वेल्व टू सेवन द आवर हैंड टेक्स ब्लैंक आवर टू मूव फ्रॉम सिक्स टू इलेवन अब सिक्स से इलेवन मूव करने में उसको कितना टाइम लगेगा काउंट कर लेते हैं फिर से वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है कितना कितना टाइम लगेगा फाइव वो कितना राउंड लेगा फाइव फाइव आवर टू मूव फ्रॉम सिक्स टू इलेवन द आवर हैंड कंप्लीट्स ब्लैंक राउंड इन वन डे ठीक है अब क्वेश्चन क्या है जो आवर हैंड है वो कितना राउंड कंप्लीट करता है एक दिन में वन डे मीन्स एक दिन एक दिन में ये जो आवर हैंड है वो कितना राउंड कंप्लीट करना है करता है वन डे में कितने आवर होते हैं? ठीक 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 है? है? है है में होता और ये जो क्लॉक है इस क्लॉक में ट्वेल्व का टाइमिंग होता है ठीक है ये जो क्लॉक है इसमें ट्वेल्व जो आवर है वो कितना होता है ट्वेल्व होता है तो ट्वेंटी फोर आवर कंप्लीट करने में जो आवर वाला हैंड है उसको टू राउंड कंप्लीट करने का तब तभी तो क्या होगा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व क्या होगा ट्वेंटी फोर तो कितना राउंड उसको लेना पड़ेगा टू राउंड तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे टू राउंड्स वन आवर हैंड कंप्लीट टू राउंड्स इन वन डे ठीक है वर्कशीट टू हमारा कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट थ्री फाइंडिंग टाइम इन हाफ आवर एंड इन मिनट्स इसको रीड करेंगे ठीक है अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू